आज की इस वीडियो में मैं आपको बची हुई बासी रोटी से नाश्ता बनाना बताऊंगी। अक्सर क्या होता है कि घरों में रोटियां बची जाती हैं और वो बची हुई रोटियां वेस्ट ही जाती हैं, मोस्टली लोग उसे यूज में नहीं लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बची हुई रोटी से एक ऐसा टेस्टी, हेल्थी और यमी सा नाश्ता बताऊंगी जिसे खाकर आप कह नहीं पाएंगे कि ये बासी रोटी से बना हुआ नाश्ता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज का बाउल लिया है और इस बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच बेसन, और बेसन के साथ मैं ऐड करूँगी इसमें 2 ही चम्मच सूजी। सूजी से हमारा जो नाश्ता है ये बहुत क्रिस्पी बनेगा और टेस्टी बनेगा। तो साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी सब्जी ऐड कर रही हूँ, जैसे कि बारीक कटी हुई प्याज ली है मैंने, यहाँ पर 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च हैं ये, और थोड़ा सा ये हरा धनिया है जो मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और साथ ही बारीक कटी हुई ये शिमला मिर्च मैंने ली है। आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको कोई और भी सब्जी पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें कुछ पसंद नहीं है, जैसे आप प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो लीजिए, मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करा है। और अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक घोल बना लूंगी। आप इसमें एक साथ पानी ना डालें, धीरे धीरे करके इसमें आप पानी ऐड करें और इसका एक घोल तैयार कर लें। इस तरह से मैंने घोल यहाँ पर तैयार कर लिया है, और अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि जो सूजी होती है वो थोड़ा सा फूलने में टाइम लेती है। तो लीजिए, 10 मिनट बाद मेरी यहाँ पर ये सूजी फूल गई है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच फ्रेश मलाई। मलाई मोस्टली घरों में मिल ही जाती है, जो दूध के ऊपर मलाई आती है, तो आप इसमें 1 चम्मच मलाई ऐड कर लें और इसे अच्छे से घोलते हुए एक पेस्ट बना लें, कुछ इस तरह का जैसे मैंने बना रखा है। और इधर मैंने ली है एक रात की बची हुई बासी रोटी। मैंने रात खाना बनाया था तो उसमें एक रोटी एक्स्ट्रा मेरी बच गई थी, तो मैं इससे यहाँ पर टेस्टी नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो इस रोटी के ऊपर मैं अच्छे से इस घोल को फैला लूंगी, चारों तरफ से कवर करते हुए अच्छे से इस घोल को इसके ऊपर फैला लेना है। तो यहाँ पर रोटी पर मैंने अच्छे से घोल फैला लिया है। मैंने गैस को चलाकर उस पर तवा रख दिया है, और मैंने तवे पर अच्छे से घी लगा लिया है, और इधर मैंने इस रोटी को लिया है, तवे की जो घी है इसको मैं फैला लेती हूँ ताकि छींट ना आए। और अब इस रोटी को मैं उल्टी साइड से इस तवे पर डाल दूंगी। तो लीजिए, मैंने रोटी को तवे पर डाल दिया है, और जो मेरा बचा हुआ घोल है मैं उसे इस दूसरी तरफ, इस रोटी की दूसरी तरफ लगा लूंगी। यहाँ जो गैस की फ्लेम है उसे मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है, वरना आपका जो ये नाश्ता तैयार हो रहा है वो नीचे से फूक जाएगा। तो मैंने इस घोल को भी दूसरी तरफ भी अच्छे से फैलाते हुए लगा लिया है, और अब एक पलटे की सहायता से मैं इसे पलटूंगी नीचे से छुटाते हुए। नीचे घी लगा लिया था तो इसे नीचे से छुटने में आसानी रही, और अब इसे नीचे से छुटाकर पहले मैं नीचे घी लगा लूंगी। दूसरी तरफ से भी तवे पर ये चिपके ना, और अब मैं इसे पलट दूंगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ मेरा थोड़ा सा घोल फैल गया है, लेकिन इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये चम्मच से आसानी से छुट जाएगा। तो इसे छुटा देती हूँ मैं, और मीडियम फ्लेम पर ही इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। और अब मैं इसे दूसरी तरफ से पलट दूंगी, तो आप देखिए कितने अच्छे से सिका है। और इसी तरह से मैं इसे अलटते पलटते दोनों तरफ से ब्राउन होने तक सेक लूंगी। तो देखिए कितने अच्छे से कलर आया है यहाँ पर। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तो देखिए हमारा जो ये नाश्ता है ये बिल्कुल एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो गया है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, और तो लीजिए हमारा यहाँ पर ये रोटी का नाश्ता बन गया है। इसे थोड़ा सा
स्टाइलिश लुक देते हैं, ताकि बच्चे जो होते हैं ना छोटे बच्चे, वो पिज्ज़ा वगैरह बाहर की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा पिज्ज़ा वाला लुक दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे ऐसे भी टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाकू से इसे 4 पीसेस में कट कर लिया है, और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी जो वेज मेयोनीज होती है, वो वाली वेज मेयोनीज। आपके पास मेयोनीज हो तो आप लगा लें, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल टमाटो केचप लगा के बच्चों को सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए, मैंने यहाँ पर अच्छे से मेयोनीज लगा ली है, और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ थोड़ी सी टमाटो केचप। टमाटो केचप से आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल पिज्जे वाला लुक आ गया है। और अब मेरे पास ये थोड़ा सा पनीर पड़ा हुआ था, तो मैं इस पनीर को छोटे से कद्दूकस में घिसकर इसके ऊपर से लगा देती हूँ। तो लग रहा है ना बिल्कुल जैसे पिज्जा बन रहा हो, कोई बता नहीं पाएगा ये जो नाश्ता है ये हमने बासी रोटी से बनाया है। जितना ये देखने में टेस्टी लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा लाजवाब ये खाने में लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर इसे एक बार ट्राई करें। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें बनाकर ज़रूर दें। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपके बच्चे रोटी खाना सीख जाएंगे। अगर आपके बच्चे रोटी नहीं खाते हैं तो वो इस तरह से रोटी खाना भी सीख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह नई रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।